मनरेगा योजना के अंतर्गत जो राशि है वो ग्राम पंचायतों को पूरी नहीं दी जा रही, इसकी शिकायत थी। हमें जांच की गई, उसमें काफी कुछ तथ्यात्मक स्थिति निकली है कि ग्राम पंचायतों को जो 50% तक राशि दी जाना चाहिए वो न दी जाकर उनको कम राशि दी गई, जैसे करीब 40% के आसपास, 35 से 40% दी गई वर्ष 2010 में। तो उस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति आई उस पर पूरा कंप्लीट करते हैं, प्रोसीजर दिया जा चुका है। लगभग कितनी वैसे ऐसा है कि ग्राम पंचायतों को उनका हक मिलना चाहिए, उसमें अभी करीब करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की राशि वापस लेकर के विभिन्न लोगों से उन्होंने ग्राम पंचायतों को दी है। इस तारीख को ही मैंने निर्देश दिए थे कि ये चीज ठीक नहीं तो तत्काल ग्राम पंचायतों को पूर्ति के लिए, ताकि उनको कमी नहीं मिले। इस प्लान डिपार्टमेंट की यदि अपन बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा डिपार्टमेंट, किस विभाग को सबसे ज्यादा? ये डिप्टी एडिटर एग्रीकल्चर के साथ में जो असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर हैं उनके को राशि जो है जिले से जितने ज्यादा जारी हुई है। ये आपने एक साल 2010-11 का देखा है कि उसके पहले का देखा है? नहीं, लगभग सभी वर्षों में इस प्रकार की स्थिति। कितने सालों से ये स्थिति थी? स्कीम 2006 से चल रही है। सॉइल कंजर्वेशन यहाँ पर काफी काम कर रहा है और उसमें जो है कलेक्टर साहब भी बताया कि इनके पास में चूंकि सीमित अमला है, आरईएस में जो अधिकारी इसके पहले जो काम कर रहे थे वो संतोषजनक रूप से काम नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से वो आरईएस को और या पीडब्ल्यूडी को भी वो ये कह रहे थे कि चाहे तो हम काम देने की स्थिति में नहीं थे, तो जो लोग सामने आए उनको उन्होंने काम दिया। हाँ, अब जो भी इन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर जो भी उसमें आकलन किया हो, तो ये दो ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में जो है ये मैंने स्वयं देखा है, बाकी हम जो है अपने यहाँ से जो हमारे एससी हैं आरईएस के मिस्टर मोरी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर मिश्रा और कटनी के कार्पणेन्द्री भारद्वाज जी जो हैं, इनके निर्देशन में स्थानीय सबंजर और संबंध विभाग के अधिकारियों को दो दो काम के लिए निर्देशित किया था कि वो काम कम से कम देख के और ट्रायल टेस्ट रिपोर्ट जो है उसके आधार पर जिससे कि कंक्लूजन ड्रा कर सके।